कहते हैं प्यार की कोई सीमा नहीं होती, उम्र का कोई बंधन नहीं होता, लेकिन कभी कभी प्यार, इश्क और मोहब्बत से जुड़े ऐसे मामले भी सामने आ जाते हैं जिन्हें सुनकर इंसान चौंक जाता है। आज हम आपको वैसी ही एक चौंकाने वाली प्यार की दास्तान सुनाने जा रहे हैं। सबसे पहले बिहार के मुजफ्फरपुर में घटित एक वारदात को सुन लीजिए। बीते 9 अप्रैल को मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र में एक बाइक पर सवार प्रवीण कुमार और कृष्ण कुमार पासवान को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दिया था। दोनों गंभीर रूप से घायल हैं। फिलहाल जिले के एक निजी अस्पताल में उन दोनों का इलाज चल रहा है। अब घटना तो घट गई, घटना के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दिया, लेकिन मामला जब सबके सामने आया तो सबके होश उड़ गए। कहानी की शुरुआत मुजफ्फरपुर के एक प्राइवेट बीएड कॉलेज से साल 2020 में शुरू होती है, जहां सकरा थाना क्षेत्र निवासी दो बच्चों की मां प्रीति कॉलेज में एडमिशन लेने जाती है। एडमिशन लेते वक्त ही प्रीति की नजरें कॉलेज में कार्यरत अकाउंटेंट अमित से चार हो जाती हैं। धीरे धीरे दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ने लगती है, दोनों का प्यार गहरा होता जाता है। हालांकि अकाउंटेंट अमित भी कोई कुंवारा व्यक्ति नहीं है, बल्कि तीन बच्चों का पिता है। दोनों का प्यार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। इन दोनों के इश्क में प्रीति का पति कबाब में हड्डी की तरह था। जब तक पति रहता तब तक दोनों प्रेमी युगल आपस में मिल नहीं पाते, इसलिए प्रेमी अमित ने अपनी महबूबा के पति को रास्ते से हटाने का फिल्मी प्लान बना लिया। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े होने के कारण अमित के कई कॉलेजों में लिंक थे। उसने एमबीए में एडमिशन लेने के इच्छुक एक छात्र को अपने इस प्लान में शामिल कर लिया और कम पैसे में एमबीए कॉलेज में एडमिशन दिलवाने का लालच देकर उस छात्र से बाहर का एक शूटर हायर करवाकर मुजफ्फरपुर बुलवा लिया। जैसे ही दो शूटर मुजफ्फरपुर पहुंचे, वैसे ही अमित ने अपनी प्रेमिका प्रीति से उसके पति प्रवीण का लोकेशन पूछकर शूटरों को उन्हें मारने के लिए भेज दिया, जिसके बाद शूटरों ने मनियारी थाना के भुजंगी चौक के पास दो लोगों को बाइक से रोक लिया, उन पर फायर कर दिया, जिसमें बाइक पर सवार दोनों लोगों को गोली लगी। हालांकि गोली की आवाज सुनकर जैसे ही आसपास के लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, दोनों शूटर फरार हो गए। पुलिस के अनुसार दोनों शूटर उसी वक्त जिला छोड़कर फरार हो गए थे। उधर प्रेमी अमित निश्चिंत हो गया था कि उसके और उसकी प्रेमिका के बीच का कांटा प्रीति का पति प्रवीण मर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों घायलों को वक्त पर अस्पताल पहुंचा दिया गया, जिससे उन दोनों की जान बच गई। पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान, कॉल रिकॉर्ड्स आदि के आधार पर पहले प्रेमिका को उठाया, उसके बाद पूरे मामले के तार जुड़ते गए और कांड का पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने प्रेमी अकाउंटेंट अमित और साजिश में शामिल प्रेमिका प्रीति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बिहार लाइव नाउ के लिए मुकेश चौरसिया की रिपोर्ट। 9 अप्रैल को मनियारी थाना के अंतर्गत एक मामला प्रकाश में आया था, जिसमें दो व्यक्ति बाइक से जा रहे थे, उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, जिसमें दोनों ही व्यक्ति को गोली लगी थी, जिसमें एक व्यक्ति प्रवीण कुमार थे जो इंजर्ड थे, और उन दोनों व्यक्तियों का यहाँ लोकल एक निजी अस्पताल में इलाज चला था और अभी भी वो इलाजरत। हम लोग इसी केस को DSP वेस्ट अभिषेक आनंद है उनकी अध्यक्षता में एक SIT गठित करके इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जिसमें DIU की टीम भी कार्य कर रही थी और इसके अलावा जो संबंधित थाना अध्यक्ष हैं मनियारी के हेमंत कुमार, वो भी इस पर काम कर रहे थे। टीम को इसी दौरान टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से कुछ इनपुट मिले और उस इनपुट के बेस पे कल दोनों की गिरफ्तारी की है टीम ने, जिसमें से जो पीड़ित थे जिनका नाम प्रवीण कुमार था, जो इंजर्ड की धर्मपत्नी थी जिनका नाम प्रीति कुमारी है, और इसके अलावा एक व्यक्ति और है जो मनियारी के ही रहने वाले हैं, मूल रूप से औराई के रहने वाले परंतु मनियारी में एक स्कूल में काम करते हैं, उनका नाम अमीर कुमार है, उन दो की गिरफ्तारी की गई है। इस घटना के पीछे जो मुख्य वजह थी वह वजह थी कि जो घायल व्यक्ति थे प्रवीण, उनकी जो पत्नी है प्रीति, उनका अवैध संबंध इस अमीर नामक व्यक्ति के साथ में काफ़ी दिनों से दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था और उन दोनों की ही इच्छा थी कि प्रवीण की हत्या कर दी जाए ताकि बाद में ये दोनों आपस में विवाह कर पाएं, और इसी की वजह से अमीर के द्वारा दो शूटर हायर किए गए, सुपारी देकर उनके माध्यम से घटना को अंजाम दिया गया। जो दोनों ही शूटर हैं वो दोनों फरार चल रहे हैं, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और दूसरे स्टेट्स में भी टीम भेजी गई है उनकी गिरफ्तारी के लिए और सीधी हम लोग उनकी गिरफ्तारी करेंगे। इसमें उनकी पत्नी पर भी कोई कार्रवाई की गई नहीं, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।
सर कैसे पता चला सर कि उसमें इन्वॉल्व है, चूंकि लगातार साथ में रह रही थी परवीन सिंह। बताया ना आपको कि टेक्निकल सर्वेलांस और टेक्निकल एनालिसिस और मोबाइल एनालिसिस की। घटना के बाद सर एक्टिविटी कुछ बदला था कि उसी तरह था उसके साथ? नहीं, घटना के बाद भी दोनों के बीच में लगातार फोन पे संपर्क होते रहे। ये जो व्यक्ति है अमीर, ये भी अस्पताल में उनको देखने के लिए पहुंचा था और दोनों के बीच में लगातार फोन पे बातचीत चल रही थी। कुछ रिकवर वगैरह भी हुए इनके पास से? नहीं, रिकवर तो इनका मोबाइल हम लोगों ने जब्त किया, जिस मोबाइल के माध्यम से दोनों बात करते थे उसको हम लोग एफएसएल। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।